बहुत औखे समय पंजाब बारे कहा जाता कि पंजाब के जम्मिया नितम हिमा मध्यकाल तो जो मर्जी पंजाब का इतिहास पढ़ लो पंजाब ने 25 साल कदे शांति दे नहीं देखे कदे 25 साल बाद कोई ना कोई आफत पंजाब ते कोई ना कोई मुहिम बिटनी पई पंजाब नू पंजाब का इतिहास दसदा बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद 1716 तो बाद जे सिख कौम की नुमाइंदगी की है उहदा सेहरा पंजाब दीआं निहंग सिंह जथेबंदियां नू जांदा है। बेशक समा बदल गया लेकिन पंजाब दे उत्ते जिहड़े संकट आ जिहड़ियां चुनौतियां उह जे घट नहीं होईआं चुनौतियां इस तों भी वड्डीआं सरकार बारो बारी हथ पाएगी कदे मणिपुर की वारी कदे कश्मीर की वारी कदे पंजाब की वारी सो सारिया चुनौतियों का सामना करने लई आपां नूं मानसिक रूप दे विच तैयार होना चाहिए। जिहड़े दुआबे के इलाके नाल संबंधित अपनी यूनियन है भारतीय किसान यूनियन दुआबा जिहदा नाम इस करके रखिया सी वी असीं कोई दुआबे दे विच कोई किसानां दी मूवमेंट खड़ी कर सकीए कोई तिल फुल किसानां दी सेवा च जे कर सकते हैं तो करिए वड्डी खुशी है। एक वड्डा परिवार और तजर्बेकार आगू बेशक मंच तो सानू सीनियर आगू कहा गया लेकिन मैनू ये गल मन तो कोई ग्रेज नहीं कि साढ़े जिनी कि साड़ी उम्र आधा अद्धा जि 25-25-30-30 साल लाने वाले आगू इस टीम शामिल है जथेबंधक तौर पर साढ़े नो सीनियर आगू इस टीम मौजूद है। ये गल किसी तो लुकी नहीं जिन्होंने जिंदगी दे तीन तीन दहाके चाहे बापू गुरचेतन सिंह जी है साडा वीर कालू साहब है बलविंदर सिंह जी है साहब सारी सज्जन साढ़े तो जथेबंधक तौर पर सीनियर ने और सानू को बहुता दसण की लोड़ नहीं वो किसानी तो जेडे संकट आ जेडे लोड़ा आ जो कुछ करना वो साढ़े तो बेहतर जानते हैं। बहुत जिंदगी का कीमती समा उन्हीं अंदोलन के लेखे लाया तो दिल्ली वाले इस अंदोलन के बेशक यूनियन अलग अलग सी लेकिन सानू कोई फर्क नहीं सी लगता चाहे स्टेज का प्रबंध चलाना जां होर सेवावां निभाउणियां ये सारी टीम साढ़े नाल फलौर के रेलवे स्टेशन तो लैके दिल्ली के सारे अंदोलन तक नाल रही है सानू कोई बखरता कदे ना नज़र आई है तो लेकिन अज इस गल की खुशी है कि वह साढ़े मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के इस किसान अंदोलन का हिस्सा बनी है। इस गल की सारी संगत को बधाई है। बहुत औखे समय पंजाब बारे कहा जाता कि पंजाब के जम्मिया नितम हिमा मध्यकाल तो जो मर्जी पंजाब का इतिहास पढ़ लो पंजाब ने 25 साल कदे शांति दे नहीं देखे कदे 25 साल बाद कोई ना कोई आफत पंजाब ते कोई ना कोई मुहिम बिटनी पई पंजाब नू पंजाब का इतिहास दसदा जथेदार बाबा नरंग सिंह जी बैठे है सानू इस गल का फखर है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद 1716 तो बाद जे सिख कौम की नुमाइंदगी की है उहदा सेहरा पंजाब दीआं निहंग सिंह जथेबंदियां नू जांदा है। जदों सिखां दे सिरां दे मुल पै गए गड्डियां दे गड्डे लद के लाहौर दे दरबार च सिख पेश कीते जांदे सी उदों पंजाब दीआं निहंग सिंह जथेबंदियां ने सीस तली ते रख के कौम की अगवाई की है चाहे वह बीकानेर के जंगलों च रहना पिया। बहुत बड़ियां कुर्बानियां तो बाद आपां इस स्टेज ते पहुंचे हैं। बेशक समा बदल गया लेकिन पंजाब दे उत्ते जिहड़े संकट आ जिहड़ियां चुनौतियां उह जे घट नहीं होईआं चुनौतियां इस तों भी वड्डीआं दिल्ली का किसान अंदोलन लड़ के हाल की घड़ी तुसीं मंडियां नूं खत्म होण तों बचा लिया जमीनां नूं कारपोरेट हत्थां च जाण तों बचा लिया ये सारी कौम नूं ये सेहरा मिलिया चाहे कोई अमेरिका कनेडा च बैठा लेकिन वह भी किसी ना किसी रूप दे विच इस अंदोलन च शामिल सी। वीरो इस तों भी वड्डा हमला जिहड़ा अपने ते अज भी जारी है थोड़ी समुची नौजवान पीढ़ी नूं नशियां च ला के इहनूं बर्बाद करके पंजाब दे विचों भजाउण दी नीति जां शरीरक तौर पर खत्म करन दी जिहड़ी पॉलिसी आ उहदे ते वड्डे रूप च काम हो रहा है। आपां कल्ला किसान अंदोलन नहीं लड़ना किसान मुद्दियां दे उत्ते तां कल्ला लड़दा ही है लेकिन नौजवानी नूं पिंडां च नशियां तों बचाउण लई उस मार तो बचाने भी आपां थोड़ा बहुत बनता योगदान पाना पैना। सारा पंजाब जाग चुका अन्ने अन्ने धूप देशों तुरी नौजवानी कोई सही सेध देने भी किसान जथेबंदियों मैदान च आना पेगा। पंजाब का नौजवान जमीन बेच के घर बेच के बैंक दियां लिमिटा बना के बाहर तुर रहा लेकिन दूजिया स्टेटा का जोड़ा नौजवान है वह सारिया सारिया सरकारी नौकरियों पर काबज हो रहा जिन्हिया भी सरकारी नौकरियां गजटड पोस्टा वो तो गैर पंजाबी काबज आ होर 5-10 साल तक हालात ये बन जाने किसी दफ्तर जाऊँगे थोनू कोई अपना नुमाइंदा कोई अफसर चेयर पर बैठा नहीं मिलना।
सो समा बहुत ज़्यादा हो गया। दोबारा फिर इस टीम नू बहुत बहुत असी धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करा कि सानू इस टीम तो जिथे साथ मिलेगा उत्थे सीखण दा मौका भी मिलेगा, क्योंकि तजर्बेकार आगुआं दा शामिल होना कहा जाता जे घर दे विच को बजुर्ग बैठा वो सारे टब्बर नू सही दिशा विच तोरन की समर्था रखता। इस टीम दे विच बहुत सी तजर्बेकार आगुआं दा शामिल होना वो भारतीय किसान यूनियन दुआबा दे जिहड़ा सोने ते सुहागे वाला काम करे होएगा। सारे जिन्हें भी आगू आए आ जिहड़ा उन्हां दे बणदे रुतबे आ उन्हां नू सामने रख के बणदा माण सत्कार अपनी जिहड़ी यूनियन है सारी इहदे च बहाल रख के कोशिश की जाऊगी। इहदे तो भी उच्चा स्थान साढ़े तो भी आगू जिहड़े सीनियर ने उन्हां दा सत्कार साढ़े तो वध होना चाहिए है, सानू इस गल दा बखूबी पता। सो समुचियां संगतां नू गर्मी का सीजन है, बहुता चिर हो गया बैठिया नू असीं लेट आ गए, लेट होण दी माफ़ी है, लेकिन जिहड़े किसानी ते संकट आ जे उहदा सामना करना ते उहदे लई सानू एक योजनाबद्ध ढंग की जिहड़ी लड़ाई है उहनू लड़न लई तैयार होना पैना कि योजनाबद्ध जदों हमला सरकार दा होवे। वीरो तुसीं पिछले दिनां च देखिया मीडिया दे हिस्से च बेशक नहीं दिखाया गया जिहड़ा नैशनल मीडिया उह सरकार दा गुलाम हो गया पिछले दिनां दे विच मणिपुर दे विच पिछले तीन महीने च जो कुछ वापर रहा उहनू शब्दां दे विच बयान इस मंच तों नहीं कीता जा सकता। सरकार बारो बारी हथ पाएगी, कदे मणिपुर की बारी, कदे कश्मीर की बारी, कदे पंजाब की बारी। सो सारिया चुनौतियों का सामना करने लई आपां नूं मानसिक रूप दे विच तैयार होना चाहिए। गुरु कृपा करे, परमात्मा कृपा करे कि जिहड़ी अपनी संगत है इहदे ते परमात्मा मेहर भरिया हथ रख के कुछ चंगे कार्ज जे को तिलफिल समाज की सेवा च अपनी कौम की अपनी किसानी की जो सेवा कर सकीए इस गल की असीस बख्शियो। भुलां चुकां की खिमा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।